सर हमारे साथ आशवी अग्रवाल है, आशवी फिरोजाबाद से। आशवी का स्कोर आ रहा है 646, जबरदस्त खुश है, अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही है ये। तो आशवी ये बताइए, आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली है? यस सर। ठीक है, तो ये बताइए आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली है। 12th में आपका कितना परसेंटेज था? 97.8। अच्छा, तो आपने 2.2% मार्क्स किसके लिए छोड़े? सर किसी के लिए नहीं, वो बस ऐसे ही कट गए गलती से। गलती से कट गए, चलो अच्छी बात है, शुक्र है। तो 646 का आपका स्कोर है। आपने तैयारी कहाँ पे की? कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी? यस सर, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने। अच्छा, तो दोनों साल ऑनलाइन तैयारी की आपने पूरी? यस सर। हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया और उसमें खूब सारे क्वेश्चन टेस्ट प्रैक्टिस किए। यस सर। अच्छा, तो क्यों आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करती थी? सर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ही, मतलब ये नीट प्रेप सिर्फ एक अकेला प्लेटफॉर्म ऐसा है जो ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन टेस्ट का फैसिलिटी देता है, तो उसमें ओएमआर फिलिंग की हमें नॉलेज मिल जाती है, तो फिर जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसमें हमें ओएमआर की गलती कम से कम होती है। पर आप तो आपने तो एक भी बार टेस्ट नहीं दिया था, आपको कैसे पता कि ओएमआर में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? ओएमआर में मैंने सबसे पहले जब ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करके देखा तो मेरी 3 गलती हुई थी ओएमआर फिलिंग की वजह से, तो मैंने सोचा कि ओएमआर में काफी गलती हो सकती है, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए इसी वजह से। ठीक है, तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे जो पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट अवेलेबल होता है, कि हालांकि आप ऑनलाइन दे सकते हैं पर आपको घर पे बैठ के यदि आप ओएमआर का प्रिंटआउट ले लें तो पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, तो उसका आपने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अच्छी बात है। किस जगह पे जाके आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा कि आपका नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है? नीट से 1 मंथ पहले मेरे को लगने लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। कितने नंबर आ रहे थे उस टाइम पे मॉक टेस्ट में आपके? उस टाइम 640 से 650 के बीच में। वही आपका स्कोर आ गया 646, फेयर इनफ। तो अब ये बताइए कि यदि आपको स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी हो, तो आपने एक चीज तो बता दी, आप एक चीज के बारे में बड़ी केयरफुल थी, ओएमआर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारी मेहनत एक तरफ पर ओएमआर में मिस्टेक हो गई तो वो तो जाती है, तो आप इंश्योर कर रही थी ओएमआर में मिस्टेक ना हो। दूसरी चीज, यदि आपके पास कोई आए, आशवी चाची बताओ आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कोई छोटा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है नीट की, आपसे छोटा है, क्या दो एडवाइस आप उसे दोगी जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए? सबसे पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर हमें खुद पे विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो फिर ऑनेस्टली ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद ही पे विश्वास नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया ही हम पे विश्वास नहीं करेगी कि हम वाह, कर सकते हैं। और सेकेंड चीज होती है डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। हम लोग मतलब एक एक दिन, मतलब कुछ लोग होते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ते, इससे बेटर है कि 4 घंटे पढ़ो पर डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये बताइए, पूरे मोहल्ले में फिरोजाबाद में लड्डू बट रहे हैं या अभी बटना चालू नहीं हुआ है? सर बटना चालू होंगे अभी। अच्छा, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? सर किसी बात का नहीं। अच्छा, बस अभी खरीदे नहीं है, समझ गया। तो मुझे एक चीज बताइए, फिरोजाबाद जैसी जगह में अच्छे कोचिंग है या फिर क्योंकि आप ऑनलाइन तैयारी कर रही थी तो उसका फर्क नहीं पड़ा? ऑनलाइन से तो कोई भी कहीं से भी अच्छे टीचर से पढ़ सकता ऑफलाइन कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, और प्लस कोविड टाइम में तो सारी कोचिंग्स बंद रही थी, तो फिर मेरे को ऑनलाइन में ही इतना सपोर्ट मिला और ऑनलाइन में ही मैं इतना अच्छा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन में क्यों जाऊं जब ऑनलाइन ही मेरे को इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। है। यही है जबरदस्त चीज, मतलब है ना, हालांकि हल्ला तो बहुत है क्लासरूम कोचिंग का, पर एक चीज है ना, इसमें काफी डिसिप्लिन वगैरह चाहिए। यदि आपका डिसिप्लिन नहीं है तो फिर फायदा नहीं होगा, है ना? यस सर। पर डिसिप्लिन क्लासरूम कोचिंग में भी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आप गए और अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत तो वहां भी करनी पड़ती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अब फाइनल क्वेश्चन आशवी आपसे, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रही है आप 646 पे?
646 पे एक MGM इंदौर एंड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? तो यूपी यूपी का डोमिसाइल है और आप मध्य प्रदेश के कॉलेज टारगेट कर रही हैं, ऐसा क्यों है? सर, बिकॉज यूपी में मतलब जो मैं कॉलेज चाहती थी वो अभी मेरी कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एमपी में। चलिए ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपके सामने आज भी हैं 646 स्कोर, मत भूलिएगा। साथ में 97.8%। यदि आपको डर लग रहा है तो आपका डर जायज है, आशवी काफी पढ़ने वाली है, इनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। आशवी ने खूब मेहनत की और उनका 646 आ रहा है और वो एक बड़े मेडिकल कॉलेज में जाने वाली है। थैंक यू आशवी, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।